नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊँगा ट्रांसफॉर्मर्स के डेटा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा पहला पार्ट है, और भी पार्ट इस पर आएंगे डेटा पे। तो आज मैं आपको छोटे ट्रांसफार्मर का डेटा बताऊंगा, जैसे कि 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट आदि के, ठीक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है, पूरी वीडियो देखना है बिना स्किप की। दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर ट्रांसफार्मर की वीडियो अब तक अपलोड हमने नहीं की है। आगे हम इसको कैसे बांधते हैं, ट्रांसफार्मर को कैसे बनाते हैं, तो उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पत्ती लगी हुई है, दो तरह की पत्ती होती है, एक यहाँ पे ई बना देख रहे हैं आप, इस तरह की एक आई, ई और आई, इन दोनों पत्ती को लेमिनेशन बोलते हैं दोस्तों, लेमिनेशन, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे फंसाई जाती है, और इनके बीच में एक ये देखिए बोबिन होता है, इसको बोबिन बोलते हैं, जिसपे कि तार लपेटा जाता है। दो तरह से, एक तार नीचे लपेटा जाता है, एक तार ऊपर लपेटा जाता है। जो नीचे सबसे पहले लपेटा जाता है तार, उसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी क्वाइल बोलते हैं, और जो ऊपर लपेटा जाता है उसको सेकेंडरी क्वाइल बोलते हैं। तो जो प्राइमरी क्वाइल होती है उसमें हम 220 वोल्टेज डालते हैं, और जो ऊपर का जो होता है उसमें हम वोल्टेज लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर मैं आपको बता रहा हूँ वो एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 220 एसी से अलग अलग डीसी वोल्टेज बनाते हैं। तो ये मैंने छोटा सा इसका ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। तो अब इसका डेटा आप देख लीजिए अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख ली, देखिए प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, दो तरह की क्वाइल, ठीक है। तो यहाँ पे पहली से प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो ये जो डेटा है, पहला 24 वोल्ट 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाने का है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट 1 एम्पियर के दो तरह के ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, एक तो 4 तार वाला, एक 5 तार वाला। 5 तार वाला क्या करता है कि डबल 24 वोल्टेज निकालता है, ठीक है, 24 वोल्टेज निकालता है प्लस में, और 24 वोल्टेज निकालता है, मतलब डबल काम कर सकता है। और ये जो वाला है सिंगल 24 वोल्ट निकालता है। तो पहले सिंगल वाले का डेटा देख लीजिए, 24 वोल्ट 1 एम्पियर में सिंगल वाले का है। प्राइमरी क्वाइल में हम वोल्टेज देंगे 220, ठीक है, जो कि हमको देनी है 220 पे ये सारे ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी क्वाइल में हम टर्न करेंगे 34 नंबर गेज से, 34 नंबर गेज से 1750 टर्न हम करेंगे, ठीक है, 1750 टर्न 34 नंबर गेज से करेंगे प्राइमरी क्वाइल में, जिसमें हम 220 वोल्टेज डालते हैं। फिर उसके ऊपर जो तार लपेटा जाएगा सेकेंडरी क्वाइल में, उसमें हम टर्न देंगे 200 टर्न देंगे 20 नंबर गेज से, ठीक है, तब 24 वोल्ट निकलेगा। तो ये तो हो गया सिंपल सिंगल 24 का। यहाँ पे एक साइड जीरो निकल रही है, एक साइड 24 निकल रही है। यहाँ पे हम एक साइड जीरो डाल रहे हैं, यानी कि माइनस जीरो का मतलब माइनस, और यहाँ पे 220 डाल रहे हैं। तो हमने 220 वोल्टेज डाले और यहाँ पे 24 वोल्टेज निकल गए एक साइड। अब दूसरी साइड जीरो निकले, अब एक तार ये, एक तार ये, 24 वोल्ट बन गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे डबल 24 निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो प्राइमरी क्वाइल है उसमें 1750 टर्न करने हैं 34 नंबर से, सेम टू सेम। बाकी जो ऊपर का जो तार डलेगा उसमें देख लीजिए, यहाँ पे तीन तार हो जाते हैं, इसमें दो थे पॉइंट जीरो वोल्टेज, 24 वोल्टेज, यहाँ पे पहला 24 वोल्टेज और बीच में जीरो वोल्टेज, फिर 24 वोल्टेज, ठीक है। तो बीच का तार आप यूज करके एक अर्थ का यूज किया और यहाँ पे 24 वोल्टेज ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे अर्थ का यूज किया, यहाँ पे भी 24 वोल्टेज ले। अब ये दो ट्रांसफार्मरों को काम अकेला कर लेगा, अगर डबल, जैसे कि आपको कोई चीज चलानी है तो आपके पास ये वाला लगा लीजिए, ये वाले वाइंडिंग कर लीजिए। अगर आपके पास वही दो चीज़ हैं, एक ट्रांसफार्मर चलाना चाहते हैं, तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर
सबसे पहले 200 टर्न करने हैं 23 नंबर तार से 200 टर्न किए, फिर बीच में एक लूप छोड़ा जीरो के लिए, लूप छोड़ा, फिर 200 टर्न किए 23 नंबर तार से। तो इस तरह 24 वोल्ट ऊपर निकले, 24 वोल्ट यहाँ पे निकले, बीच में 0 वोल्ट। अब 24 24 को अगर आप 0 वोल्ट को यहाँ पे माइनस को छोड़ देते हो, स्कीप कर देते हो, 24 24 वोल्टेज में लगा देते हैं तो डबल हो जाता है, ठीक है। 24 दो 48 वोल्टेज का भी हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आप यूज करते हैं तो इस कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बोबिन जो होता है उसका साइज होता है, यहाँ पे बोबिन का साइज 1 इंच है, ठीक है, और जो लेमिनेशन है वो 15 नंबर है, तो इन नंबर के हिसाब से आता है। इन पे किसी दिन अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आया होगा। अब मैं जल्दी से सारे डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो यह है 24 वोल्ट 1 एम्पियर का डेटा, यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट अब 2 एम्पियर का डेटा है। 2 एम्पियर वालों में जो सिंगल 0-24 वाला है उसमें प्राइमरी कॉइल में 13-50 टर्न करने हैं, ठीक है, और 1350 टर्न करने हैं, सॉरी 1315 टर्न करने हैं, और यहाँ पे 31 नंबर गेज से करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें 150 टर्न करने हैं 19 नंबर से। यहाँ पे अगर आप डबल 24 का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में वही 1315 टर्न करने हैं 31 नंबर गेज से, और यहाँ पे 154 टर्न करने हैं 20 नंबर से, फिर लूप देना है 0 वोल्टेज के लिए, और फिर 154 टर्न करने हैं 20 नंबर से, ठीक है। 24 वोल्ट 2 एम्पीयर का आपका ये बन जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला है 24 वोल्ट 3 एम्पीयर का। इसमें 0-24 का बनाने के लिए आपको प्राइमरी कॉइल में 1200 टर्न देने हैं 28 नंबर गेज से, और सेकेंडरी कॉइल में 135 टर्न देने हैं 18 नंबर गेज से। और डबल 24 का बनाने के लिए प्राइमरी में सेम रहेगा 1200 टर्न 28 नंबर से, और सेकेंडरी में 135 टर्न देने हैं 19 नंबर से, फिर एक लूप देना है, फिर 135 टर्न करने हैं 19 नंबर से, ठीक है। अब अगला है 24 वोल्टेज 5 एम्पियर का। तो यहाँ पे 5 एम्पियर का मैं बता रहा हूँ। तो 0-24 के लिए आपको प्राइमरी कॉइल में 850 टर्न देने हैं 26 नंबर से, सेकेंडरी में देने हैं 95 टर्न 16 नंबर से, आपका 24 वोल्ट निकलेगा। डबल 24 का बनाने के लिए आपको प्राइमरी कॉइल में 830 टर्न देने हैं 26 नंबर से, और यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर 95 टर्न देने 17 नंबर से, फिर एक लूप छोड़ना है, फिर 95 टर्न देने हैं, फिर 17 नंबर से, ठीक है, एक लूप छोड़ना होता है बीच में। अब आ जाता है दोस्तों 18 वोल्टेज का, ठीक है, 18 वोल्टेज का 500 mAh का 18 वोल्ट 500 mAh, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंगल 18 वोल्ट बनाने के लिए आपको प्राइमरी कॉइल में 2870 टर्न देने होते हैं 39 नंबर से, और सेकेंडरी में 245 टर्न 25 नंबर से 18 वोल्ट आपका हो जाता है। डबल 18 बनाने के लिए आपको 2870 टर्न देने होते हैं 39 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में 18 वोल्ट यहाँ पे आता है, और 245 टर्न देने 26 नंबर से, फिर एक लूप देना, फिर 245 टर्न देने हैं आपको 26 नंबर से। तो इस तरह से डबल 18 हो जाता है। यहाँ पे लेमिनेशन और बोबिन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, 0.75 इंच और यहाँ पे 23 नंबर लेमिनेशन। अब है 18 वोल्ट 1 एम्पियर का, ठीक है, वो आधा एम्पियर का था, ये 1 एम्पियर का आपका है। तो इसमें सिंगल 18 बनाने के लिए आपको प्राइमरी में 2040 टर्न देने होंगे और 36 नंबर से, सेकेंडरी में आपको 175 टर्न देने होंगे 22 नंबर से, ठीक है। 0.9 इंच का यहाँ पे बोबिन है, 31 नंबर लेमिनेशन है, और डबल 18 का बनाने के लिए प्राइमरी में देने हैं 2040 टर्न 26 नंबर से, सेकेंडरी में देने 175 टर्न 23 नंबर से, फिर एक लूप देना है, 175 टर्न फिर देने हैं वही 23 नंबर गेज से।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है 18 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो सिंगल 18 वोल्टेज बनाने के लिए आपको प्राइमरी कॉइल में देना है 1350 टर्न 32 नंबर से, और सेकेंडरी में देना है 115 टर्न 19 नंबर से, और आपका बोबिन का साइज रहेगा 1.25 इंच 15 नंबर लेमिनेशन। और डबल 18 बनाने के लिए आपको 1350 टर्न देने प्राइमरी में 32 नंबर से, सेकेंडरी में आपको देने 115 टर्न 20 नंबर से, फिर एक लूप, फिर 115 टर्न 20 नंबर से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 18 वोल्ट 3 एम्पियर का बनाने के लिए आपको सिंगल 18 बनाना है, तो आपको प्राइमरी में 1325 टर्न देने हैं 30 नंबर से, और आपको सेकेंडरी में 115 टर्न देने हैं 18 नंबर से। बोबिन रहेगा 1.3 का, 4 नंबर लेमिनेशन। और यहाँ पे डबल 18 बनाना चाहते हैं, डबल 18 3 एम्पियर का, तो यहाँ पे प्राइमरी में 1325 टर्न देने हैं 30 नंबर से, और यहाँ पे फिर 115 टर्न देने हैं 19 नंबर से, फिर एक लूप छोड़ना है, फिर 115 टर्न 19 नंबर से। उसके बाद दोस्तों 18 वोल्ट 5 एम्पियर का बात करते हैं। 18 वोल्ट सिंगल बनाना है आपको 5 एम्पियर में, तो प्राइमरी में 970 टर्न देने हैं 27 नंबर से, और सेकेंडरी में 85 टर्न देने हैं 16 नंबर से, ठीक है। बोबिन साइज 1.5 इंच 3 नंबर लेमिनेशन। और डबल 18 का बनाना है तो प्राइमरी में 970 टर्न 27 नंबर से, और सेकेंडरी में 85 टर्न 17 नंबर से, फिर एक लूप, ठीक है, माइनस के लिए या 0 वोल्ट के लिए 85 टर्न 17 नंबर से, फिर और 15 वोल्ट की बात आती है, 15 वोल्ट 500 एमएएच, ठीक है। एमएएच का बनाने के लिए सिंगल 15 बनाने के लिए आपको 3130 टर्न देने हैं प्राइमरी में 41 नंबर गेज से, और सेकेंडरी में देने हैं 225 टन, ठीक है, 225 टन 24 नंबर से, 0.75 साइज रहेगा बोबिन का इंच में, और 23 नंबर लेमिनेशन रहेगा। डबल 15 का बनाना है तो 3130 टन 41 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में 225 टन 26 नंबर से, फिर एक लूप, फिर 225 टन 26 नंबर से। उसके बाद दोस्तों बारी आती है 15 वोल्ट 1 एम्पियर की। 15 वोल्ट 1 एम्पियर के लिए सिंगल 15 में बनाना चाहते हैं तो आपको 2200 टर्न देने हैं 37 नंबर गेज से प्राइमरी में, और सेकेंडरी में 160 टर्न करने हैं 22 नंबर से। और डबल 15 का बनाना है तो 2200 टर्न प्राइमरी में 37 नंबर से, और 160 टर्न सेकेंडरी में 23 नंबर से, फिर एक लू, फिर 160 टर्न, फिर 23 नंबर गेज से, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप आपको छोड़ना है, यहाँ पे 160 रन और यहाँ पे 160 रन, ठीक है, बीच में लूप हो जाता है आपका, माइनस कर सकते हो उससे, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच का बोबिन लेमिनेशन 23 नंबर, तो यहाँ पे 1 एम्पियर थी, 15 वोल्ट 1 एम्पियर। अब 15 वोल्टेज 3 एम्पियर की बात है, तो सिंगल बनाने के लिए, सिंगल वोल्ट 15 बनाने के लिए 1385 टर्न 31 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में 100 टर्न 18 नंबर से, 1.25 बोबिन साइज, 15 नंबर लेमिनेशन, और डबल 15 का बनाना है 1385 टर्न 31 नंबर से प्राइमरी में, और सेकेंडरी के अंदर आपको देना है 100 टर्न 19 नंबर से, फिर लूप, फिर 100 टर्न, ठीक है, उसी गेज से, 19 नंबर से, सेम गेज से। तो प्राइमरी कॉइल में आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना होता है, लगभग थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर तार डालने में कोई दिक्कत आती है तो। तो यहाँ पे बात करते हैं 12 वोल्ट 500 एमएएच, ठीक है, 12 वोल्ट 500 एमएएच का। तो यहाँ पे 12 वोल्ट सिंगल बनाना है तो 3500 टर्न 43 नंबर से प्राइमरी में, और सेकेंडरी के अंदर आपको 200 टर्न करने हैं 25 नंबर से, और ये आपका साइज रहेगा 0.687 बोबिन का, और
यहाँ पे नंबर रहेगा 74। डबल बारह बनाना है तो प्राइमरी में 3500 रन देने हैं 43 नंबर से, और सेकेंडरी के अंदर 200 रन 26 नंबर से, फिर लूप, फिर 200 रन 26 नंबर से। उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट 1 एम्पियर का आपको बनाना है, 12 वोल्ट का बनाना है एक एम्पियर में। तो प्राइमरी में आपको 2460 रन दे देने हैं 40 नंबर से, सेकेंडरी में 140 रन 22 नंबर से। और आप डबल 12 वन एम्पियर बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में 2460 रन 40 नंबर से, सेकेंडरी में 140 रन 23 नंबर से, फिर लू, फिर 140 रन 23 नंबर से। और यहाँ पे आपका 0.78 बोबिन, और यहाँ पे लेमिनेशन 30 नंबर। उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट 2 एम्पियर की हम बात करते हैं, 12 वोल्ट 2 एम्पियर की। तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर में सिंगल 12 का बनाना है तो यहाँ पे 1750 टन 34 नंबर से प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी तार जो लपेटा जाएगा उसमें 100 रन करने हैं 19 नंबर से, बोबिन 1 इंच, लेमिनेशन 15 नंबर। और डबल 12 का बनाना है, डबल 12 2 एम्पियर का, तो 1750 रन 34 नंबर से प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में 100 रन 20 नंबर गेज से, फिर एक लू, फिर 100 रन 20 नंबर से। उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट 3 एम्पियर में आपको बनाना है और सिंगल बनाना है तो आपको 1680 रन 32 नंबर से प्राइमरी में, और सेकेंडरी में 95 रन 17 नंबर से, बोबिन साइज 1 इंच, 15 नंबर लेमिनेशन। और डबल 12 का आपको बनाना है, उसके बाद आप 1680 रन 32 नंबर से प्राइमरी में दे सकते हैं, सेकेंडरी में 95 रन 19 नंबर से, फिर एक लू, फिर 95 रन 19 नंबर से। उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट 5 एम्पियर बनाना है तो खाली 12 की बात करेंगे, सिंगल 12 की, तो 1190 रन 29 नंबर से प्राइमरी में, और सेकेंडरी में 70 रन 16 नंबर से, और बोबिन साइज 1 इंच, 15 नंबर लेमिनेशन। और डबल 12 आपको बनाना है, डबल 12 आपको बनाना है 1190 रन, ठीक है, 1190 29 नंबर से। और यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर 70 रन 17 नंबर से, फिर लूप 70 रन 17 नंबर से, दोनों के अंदर लेमिनेशन और बोबिन सेम रहेगा, और प्राइमरी कॉइल सेम ही रहेगी, बाकी सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा, गेज में चेंज होगा, टर्न में चेंज होगा। यहाँ पे 9 वोल्ट 300 एमएच की बात करते हैं हम, 9 वोल्ट 300 एमएच, थोड़ा सा रोशनी कर देता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा अंधेरा था। तो 9 वोल्ट 300 एमएच बनाने के लिए, सिंगल 9 वोल्ट बनाने के लिए आपको 5360 रन 44 नंबर से प्राइमरी में देने हैं, सेकेंडरी में 235 रन 27 नंबर से आपको देने हैं, बोबिन 0.625 इंच का रहेगा, और 17 नंबर लेमिनेशन। और डबल 9 वोल्टेज के बनाने हैं तो आपको यहाँ पे प्राइमरी में 5360 रन 44 नंबर से, और सेकेंडरी में आपको देने हैं 235 रन 29 नंबर से, फिर एक लू, फिर 235 रन 29 नंबर से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला, 9 वोल्ट 500 एमएच, ठीक है, ये 500 एमएच है। यहाँ पे सिंगल बनाने के लिए, सिंगल 9 वोल्ट बनाने के लिए 4040 रन 43 नंबर से, और प्राइमरी में, सेकेंडरी में करते हैं 175 रन 25 नंबर से, लेमिनेशन 0.625 और बोबिन 0.625 और लेमिनेशन 12 नंबर। और यहाँ पे डबल 9 का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में भाई देने हैं 4040 रन 43 नंबर से, और सेकेंडरी में, सेकेंडरी कॉइल में आपको 175 रन
26 नंबर से, फिर एक लू, फिर 175 टन 26 नंबर से देने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9 वोल्ट 750 mAh की, तो सिंगल बनाने के लिए 33 टन करने, 3333 टन, ठीक है, 3333 टन। 41 नंबर गेज रहेगा और यहाँ पे 145 टन रहेंगे सेकेंडरी में, और 24 नंबर गेज से 0.625 बोबिन साइज, 12 लेमिनेशन नंबर, और डबल नाइन बनाने के लिए, डबल नाइन 750 एमएच बनाने के लिए 3333 टन प्राइमरी में 41 नंबर से, और सेकेंडरी के अंदर 145 टन 25 नंबर गेज से, बीच में एक लूप छोड़ना है, और फिर 145 टन करने हैं 25 नंबर से। उसके बाद दोस्तों 9 वोल्ट 1 एम्पियर का बात करते हैं। 9 वोल्ट 1 में आपको करना क्या है कि 2865 टर्न करने हैं 39 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में 125 टर्न 22 नंबर गेज से, लेमिनेशन 23 0.25 का बोबिन, और डबल नाइन बनाने के लिए आपको करना क्या है 2865 रन 39 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में 125 टन 23 नंबर से, फिर लूप 125 टन फिर 23 नंबर से। उसके बाद दोस्तों 7.5 वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर, 7.5 यानी कि 7.5 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर 300 एमएच में बनाने के लिए सिंगल आपको बनाना है 7.5 का, तो प्राइमरी कॉइल में आपको 5700 टर्न रखने 45 नंबर से, और सेकेंडरी में आपको 200 टर्न रखने हैं 26 नंबर से, ठीक है। और यहाँ पर डबल 7.5 का बनाना है डबल वोल्टेज में, तो यहाँ पर आपकी जो प्राइमरी है सेम रहेगी, प्राइमरी सेम रहेगी, बाकी सेकेंडरी जो है सेकेंडरी के अंदर आपको कर देना है 200 टन 29 नंबर से, फिर एक लूप, फिर 200 टन 29 नंबर से। तो यहाँ पे प्राइमरी सेम रहती है इसलिए मैं एक की बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ज्यादा बोलता हूं तो। 7.5 का ये है, फिर 7.5 वोल्टेज का 500 एमएच में है, तो प्राइमरी में आपको सिंगल बनाने के लिए, ठीक है, सिंगल बनाने के लिए 4450 टन करने हैं 44 नंबर से, 0.6 का बोबिन, 12 का लेमिनेशन, और यहाँ पे सेकेंडरी में आपको 160 टन करने हैं सिंगल में 25 नंबर गेज से सिंगल में। अगर आप इसको डबल में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइमरी सेम रखनी है, सेकेंडरी में 160 रन 26 नंबर से, फिर लूप 160 रन 26 नंबर से, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 7.5 वोल्टेज 750 एमएच का अगर आप बनाना चाहते हैं सिंगल में, तो 3660 रन 42 नंबर से प्राइमरी, सेकेंडरी में 120 रन 23 नंबर से, और आपका लेमिनेशन 74 0.68 का बोबिन, और इसको डबल का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी सेम, सेकेंडरी जो रहेगा सेकेंडरी के अंदर 120 टन 24 नंबर गेज से, फिर एक लूप, फिर 120 टन 24 नंबर से। उसके बाद 6 वोल्ट पे आ जाते हैं, तो 6 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है 300 एमएच, 6 वोल्ट 300 एमएच पर बात करते हैं, सिंगल बनाना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी में 6450 टन देने 45 नंबर से, सेकेंडरी में 185 टन 33 नंबर से आपको देना है, आधा इंच का बोबिन रहेगा, 17 नंबर लेमिनेशन रहेगा, और 6.6 का बनाना चाहते हैं 6.6 वोल्टेज का, तो प्राइमरी सेम, सेकेंडरी में 185 टन 29 नंबर से, 185 टन फिर 29 नंबर से, बीच में लूप। उसके बाद दोस्तों 6 वोल्ट 500 एमएच का बनाना चाहते हैं तो आपको सिंगल बनाना चाहते हैं सिंगल 6 वोल्ट का, तो यहाँ पे
प्राइमरी में 5370 रन कर देना है, 5370 रन 43 नंबर से, 115 और 24 नंबर गेज से, 115 रन सॉरी 155 रन 24 नंबर से यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में डाल देना है। यहाँ पे 66 का बनाना चाहते हैं तो आपका जो प्राइमरी है सेम रहेगा, सेकेंडरी में 155 रन 26 नंबर से, फिर लूप, फिर 125 रन 26 नंबर से, और यहाँ पे लेमिनेशन और बोबिन लिखाई हुआ है। तो आप इसका स्क्रीन शूट आप ले सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाते हैं 6 वोल्ट 750 एमएच पे, ठीक है, 6 वोल्ट 750 एमएच पे आ जाते हैं। तो इसमें दोस्तों सिंगल बनाना चाहते हैं सिंगल, तो आपको करना क्या है कि जो प्राइमरी होती है उसमें 4120 टन देने 43 नंबर से, 120 टन सेकेंडरी में देने 120 टन 23 नंबर से, सिंगल 6 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे डबल में बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी में 120 टन आपको कर देने 24 नंबर से, फिर लूप, फिर 120 टन 24 नंबर से। अब 6 वोल्ट 1 एम्पियर का बनाना चाहते हैं, 6 वोल्ट 1 एम्पियर का, तो इसमें आपको सिंगल बनाने के लिए प्राइमरी में, प्राइमरी कॉइल में 3500 टर्न देने होंगे 41 नंबर से, सेकेंडरी में 100 टर्न 22 नंबर से, और फिर 66 का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी में आपका 100 टर्न आ जाएगा 23 नंबर से, फिर एक लूप आ जाएगा, फिर 100 टर्न देने हैं 23 नंबर से। उसके बाद 6 वोल्ट 2 एम्पियर की बात करते हैं, तो इसमें सिंगल बनाने के लिए प्राइमरी में 2480 टर्न देने हैं 38 नंबर से, सेकेंडरी में 70 टर्न देने हैं 18 नंबर से, सॉरी ठीक है 18 नंबर से 70 टर्न देने हैं आपका, 6 वोल्ट 2 एम्पियर बन जाएगा। अगर आप डबल चाहते हैं तो डबल में आपको प्राइमरी कॉइल सेम रखना है, सेकेंडरी में आप 70 टर्न देना है 20 नंबर से, फिर एक लूप दे देना है, फिर 70 टर्न 20 नंबर से। यहाँ पे फिर 6 वोल्ट 3 एम्पियर की बात करते हैं, 6 वोल्ट 3 एम्पियर की, तो 6 वोल्ट 3 एम्पियर की बात करें तो सिंगल बनाने के लिए 2020 टर्न 36 नंबर से, सेकेंडरी के अंदर डालना है फिर 57 टर्न 18 नंबर से, ठीक है। और 66 बनाने के लिए आपको फिर 2020 टर्न प्राइमरी में सेम ही रहेगा 36 नंबर से, और सेकेंडरी के अंदर आपको 57 टर्न 19 नंबर से, फिर लूप 57 टर्न, फिर 19 नंबर गेज से ये 57 टर्न करने हैं। वो 0.9 का बोबिन, 31 नंबर लेमिनेशन। तो यहाँ पे 6 वोल्ट 5 एम्पियर का बनाने के लिए आपको सिंगल बनाना है तो आपको टर्न करना है 1580, ठीक है, प्राइमरी में 33 नंबर गेज से, और यहाँ पे 45 टर्न कर देने 16 नंबर से सेकेंडरी में, ठीक है। 66 बनाना है तो प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी में 45 नंबर 45 टन कर देने 17 नंबर से, फिर लूप, फिर 45 टन 17 नंबर से, 1 इंच बोबिन 15 नंबर लेमिनेशन। उसके बाद दोस्तों 4.5 का बना 4.5 वोल्टेज का बनाने के लिए 300 mm में बनाने के लिए आपको सिंगल बनाना चाहते हैं तो आपको 9000 टर्न देने हैं 49 नंबर से, और सेकेंडरी के अंदर 180 टर्न देने हैं 27 नंबर से, बोबिन 0.5, लेमिनेशन 17 नंबर, और डबल बनाना चाहते हैं 4.5 वोल्ट तो प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी में 180 टन 29 नंबर से, फिर एक लूप, फिर 180 टन 29 नंबर से। उसके बाद बात करते हैं 4.5 वोल्ट 500 mA की, 500 mAh का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी के अंदर आपको सिंगल बनाने के लिए प्राइमरी में आपको 5745 टन डालने हैं, 5745 टन 45 नंबर गेज से, और सेकेंडरी में 125 टन 25 नंबर गेज से, 0.625 बोबिन 17 नंबर लेमिनेशन,
और डबल बनाना चाहते हैं 4.5 वोल्ट, और तो इसमें ये प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी के अंदर 125 टर्न 26 नंबर से, फिर एक लूप, फिर 125 टर्न 26 नंबर से। इसके बाद दोस्तों 4.5 वोल्ट 750 एमए में बनाना चाहते हैं, 750 एमए में, तो आपको सिंगल बनाने के लिए 4.5 वोल्ट 4750 टर्न करने 44 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपको 100 टर्न करने 24 नंबर से, बोबिन 0.75 17 नंबर लेमिनेशन। और यहाँ पे 4.5 डबल बनाने के लिए आपका प्राइमरी सेम रहेगा, सेम टू सेम, सेकेंडरी में आपका 100 टर्न हो जाएंगे 25 नंबर से, फिर एक लूप आएगा, फिर 100 टर्न आपको देने 25 नंबर से। अब बात करते हैं 3 वोल्ट 300 एमएच की, 3 वोल्ट 300 एमएच की, तो यहाँ पर 3 वोल्ट 300 एमएच बनाने के लिए, सिंगल बनाने के लिए आपको प्राइमरी में 9000 टर्न 50 नंबर गेज से, सेकेंडरी में 130 टर्न 26 नंबर गेज से, और डबल बनाने के लिए, डबल 3 वोल्टेज बनाने के लिए 300 एमए में प्राइमरी आपकी सेम, सेकेंडरी में 130 टर्न 29 नंबर से, फिर एक बीच में लूप, फिर 130 टर्न 29 नंबर से, ठीक है, 0.312 का बॉबिन और एक नंबर लेमिनेशन। और यहाँ पर आपको 3 वोल्टेज 500 एमए में बनाना है, तो फिर आपको सिंगल बनाने के लिए 7000 टर्न 43 नंबर से प्राइमरी में, सेकेंडरी में 100 टर्न 24 नंबर से, बोबिन 0.5 का, लेमिनेशन 17 नंबर, और डबल बनाना चाहते हैं तो आपका प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी में 100 टर्न 26 नंबर से, फिर एक लूप, फिर 100 टर्न फिर 26 नंबर गेज से। तो ये कुछ आपको मैंने डेटा बताया है 24 से लेके 3 वोल्टेज तक के, काफ़ी सारे डेटा बता दिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी मोटी बुक थी, तो काफ़ी सारा टाइम लगा और मैं बोलते बोलते भी परेशान हो गया हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी डेटा जो है, इससे ज़्यादा वोल्टेज के डेटा है, 24 वोल्ट से ज़्यादा के डेटा है और बड़े ट्रांसफॉर्मर के डेटा है, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है, और हो सकेगा तो मैं एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा और उसको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है। या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको डेटा बुक चाहिए तो फिर मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।